अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सीरीज़ का सबसे पहली पार्ट वन सीरीज़ करने लगे हैं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और इसकी ब्रांचेस वगैरह पढ़ेंगे अल्केन, और इसकी फर्दर जो है जो सारी रिएक्शंस हैं, किस तरह से उसकी प्रिपरेशंस वगैरह होती है, वो सब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू स्टार्ट इट विद द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से लिंक किसी भी चीज़ को पढ़ने को कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एलिफेटिक और एक होती है रिंग चेन। एलिफेटिक बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेट चेन को हम कहते हैं एलिफेटिक, ठीक है, ये जो होती है उसे एलिफेटिक कहते हैं, और रिंग जो होती है वो साइक्लिक होती है। साइक्लिक मतलब जो कि आपको एक साइकिल बनी होती है उसको कहते हैं साइक्लिक, यानी रिंग। अब हमारे पास जो रिंग होती है वो फर्दर दो में डिवाइड होती है, एक होता है होमोसाइक्लिक, होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि उसके अंदर जो सारे ब्रांचिंग पार्ट हैं वो सारे कार्बन के हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक होता है यानी कार्बन के एक्सेप्ट भी कोई ना कोई पार्ट आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाता है और सल्फर आ जाता है, तो ये क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक। जबकि होमोसाइक्लिक में सारे पार्ट जो होते हैं वो किसके होते हैं कार्बन के। अब फर्दर जो होता है वो हमारे पास होमोसाइक्लिक दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होता है? बेसिकली अरोमा जो है ना, वर्ड बेंजीन के लिए हम यूज़ करते हैं उसकी ओडोर की वजह से। तो एरोमेटिक क्या होता है कि जिसके अंदर हम सिर्फ बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बेंजीन आ रहा होता है उसको कहते हैं एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक होता है कोई भी अदर देन द बेंजीन, ठीक है, यानी बेंजीन जैसी रिंग तो है लेकिन उसके अंदर जो कार्बन है वो डिफरेंट है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक। अब फर्दर हमने ये रिंग स्ट्रक्चर को पढ़ा है कि रिंग के अंदर होमोसाइक्लिक आ गया, हेट्रो आ गया, एरोमेटिक आ गया, एलिसाइक्लिक आ गया। अब हम एलिफैटिक यानी जो स्ट्रेट चेन है इसको फर्दर से नीचे लिखा है मैंने ताकि हम इसको पढ़ सकें। एलिफैटिक जो होता है वो हमारी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इटसेल्फ बता रहे, देखें एस से आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सैचुरेट हैव द सिंगल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेट हैव द डबल बॉन्ड, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, एनी, ठीक है। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड आ गया, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब सबसे पहले जो सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड वाला है उसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो कौन सी आती है, अल्केन की, ठीक है। अल्केन क्या होते हैं, सबसे सिंपल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है सिंपल, अल्केन सबसे सिंपल होते हैं, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल यानी ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल, तो इसके अंदर क्या आता है, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने एलिफैटिक के चेन को दो चीज़ों में कैटेगराइज़ किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, यानी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब अल्केन के अंदर देखें इसकी पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे अब हम पढ़ते हैं ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, ये सब कुछ क्या आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, अल्केन के अंदर आते हैं। अब जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ट्रिपल के अंदर फर्दर बॉन्ड्स आते हैं, जैसे कि इसी तरह जैसे ब्यूटीन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ये सारी क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, अल्कीन एंड अल्काइन, उसके पार्ट्स हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास अल्कीन और अल्कीन अल्काइन इन सब के एग्ज़ाम के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके रिएक्शंस आते हैं कि अल्केन कैसे बनता है, आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ होता है कि वर्ड्स रिएक्शन से, वर्ड सिंथेसिस से क्या बनता है, और आपके पास डिफरेंट काइंड अल्कीन के भी लिखे होते हैं अल्काइन। तो आज हमारा जो बेसिक चीज़ है वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन सब के रिएक्शंस को पढ़ना है, और इन सब के रिएक्शंस इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ने लगे हैं अल्केन का, ठीक है। अल्केन के बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं वो पांच रिएक्शन, यानी पांच तरीक़ों से हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक द मेथड क्या है प्रिपरेशन के, हमारे पास पांच रिएक्शंस हैं। सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक मिनट में मैसेजेस वगैरह बंद कर देती हूँ क्योंकि इस तरह मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ठीक है। अभी जो है ना चैट वगैरह शो नहीं कर रही, जब हम लोग कर लेंगे ये सारा कुछ उसके बाद आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अल्केन जो होता है ना, अल्केन के फर्दर हमारे पास पांच जो इसके ऐसे वेज हैं, जिससे मेथड्स हैं जिससे हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, यानी हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब टूटना, यानी वाटर का टूटना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। देन वी हैव द रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, रिडक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन का ऐड होना। देन वी हैव द डीकार्बोक्साइलाइजेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। देन वी हैव रिडक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का टूटना। देन वी हैव द वर्ड सिंथेसिस। इन पांच
वे से यानी मेथड से हमारे पास क्या बनता है, अल्केन बनता है। अब हम इन सबको अलग अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये आता है। अच्छा, मैं इसकी जो है ना बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी डिस्कस करूँगी और उसके जो एग्जांपल्स होती हैं, जैसे अगर आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रेट देती है तो क्या होगा, उससे कैसे बनेगा, तो वो भी क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिगनार्ड रिएजेंट। हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बता दिया, मतलब हमारे पास वाटर का टूट रहा है, ठीक है, मतलब वाटर ऐड हुआ है और रिगनार्ड रिएजेंट से बन रहा है। अब आपने देखना है RMGX क्या होता है, रिगनार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, अल्काइल इज आर ग्रुप, मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसके अंदर वाटर का ऐड हो रहा है यानी H2O, H+, इसको हमने अलग करके लिखा है ताकि हम इसको आपस में मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा ये कर सकें। देन वी हैव द, अब देखें आपके पास क्या है, H क्या होता है, प्लस होता है, OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये क्या है, RH नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, RH बन जाएगा। यहाँ पर देखें RH बन गया, RH क्या है बेसिकली, ये अल्काइल ग्रुप है यानी अल्केन बन गया, RH इज़ अल्केन। उसके बाद ये क्या है, MGX, इसके पास क्या बचा, OH, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, MgOH और इधर X, ठीक है। सो अब ये बात याद रखिएगा, ये कैसे होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, यानी हाइड्रोजन इसके अंदर जब ऐड होता है जब होता है ये, अच्छा, यानी डाइल्यूट एसिडिक मीडियम। ये पेपर में आता है कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हुआ है, किस मीडियम में हुआ है, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल, यानी इस जैसी कोई एग्जांपल भी तो पेपर में दे सकते हैं ना। ये तो मैंने आपको बेसिक जनरल स्ट्रक्चर बताया कि जनरल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अब इसकी एग्जांपल भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रेट आपके पेपर में देते हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रेट में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पेपर में ऐसे आता है कि ना मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रेट को वाटर में डालेंगे तो मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, या प्रोपेन बनेगा, या प्रोपीन बनेगा। अब ये ऑब्वियस ही बात है, देखिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी मिथाइल का ग्रुप यूज़ किया, ठीक। अगर मिथाइल का इसके पास से क्या आता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आता है ना, तो इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मीथेन होगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होगा तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा, सही। ऐसी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपके पास यहाँ पे ब्यूटाइल दिया होगा, ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास, यहाँ पर मैंने इथाइल के साथ भी दे दिया ताकि समझ आ जाए कि इथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड अगर होगा तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड रिएक्शन क्या है, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा रहे हैं। आप लोगों के पास अगर नोट्स वगैरह, मतलब अपने नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते जाएँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि अगर आप नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। अब बेसिकली अल्काइल हैलाइड किस तरीके से, दो तरीके हैं इसके, ठीक है, दो तरीके। एक क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी सिर्फ H2 ऐड कर दो या तो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। दो तरीके हमारे पास अल्काइल हैलाइड को रिडक्शन करने की। बेसिकली रिडक्शन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड तो दो तरीके से हो सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन से भी हो सकता है, H2 से भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करें, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, RX इज अल्काइल हैलाइड, इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करें, कौन सा वाला, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नेसेंट से भी हो सकते हैं, दो तरीके, यानी रिडक्शन करने के भी दो तरीके हैं। अब अगर आप FSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप दोनों तरीके अलग अलग से भी लिख सकते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना बस ये याद करने की चीज़ है कि दो तरीके हैं, H2 है, RX+H2 क्या बनाएगा, ये X का ग्रुप निकलेगा इसके अंदर से और H का ग्रुप आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HX। X क्या होता है, कोई भी हैलोजन का ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, हैलोजन के ग्रुप को X कह रहे होते हैं, यानी कि हैलोजन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब R के साथ क्या बना, H, RH क्या बना, अल्केन, R इज़ बेसिकली मिथाइल ग्रुप, ठीक है, कोई भी ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को कहते हैं R, R इज़ अ अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल इसमें मैंने क्या लिया, CH3 लिया, यानी कौन सा ग्रुप लिया, मीथेन का ग्रुप लिया, मिथाइल, तो ये क्या बन गया, मीथेन। अब हम डिस्कस करते हैं, अच्छा, इसके अंदर जो एंजाइम जो यूज़ करते हैं वो भी आपने याद रखना है, प्लैटिनम यूज़ करा हुआ है, क्या यूज़ करा हुआ है, ये आपको आना चाहिए, ये पेपर में आता है कि अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्ट करें तो बताएं एंजाइम या कोई भी जो उसके एक्स्ट्रा चीज़ ले रहे हैं कैटलिस्ट वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, प्लैटिनम यूज़ किया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको जनरल लिख के दिखाया था, एग्जांपल देखिए। अब CH3I+H2, CH3 क्या है हमारे पास, मीथेन का, यानी मिथाइल आयोडाइड प्लस H2। अब जब मिथाइल आयोडाइड हमने डाला है H2 के साथ, तो ये क्या बना है, इसने HI बनाया और साथ में क्या बनाया, CH4 यानी मीथेन। CH3 तो यहाँ पर है, इसके पास से हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH4+HI, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है कि वो किसी रिएक्शन से बना है, ठीक है, यानी किसी भी एक न्यू रिएक्शन से बन के हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। अब नेसेंट हाइड्रोजन में भी क्या है, दो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन हमेशा H की फॉर्म में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, H2 में नहीं होता, H में होता है। इसका मतलब इसके दो पार्ट्स लेंगे, 2H+CH3I, तो ये क्या बनेगा, CH4
और ये क्या बन जाएगा, एच आई अलग से, ठीक है, एच आई और सी एच फोर। अब अगर यहाँ पर एक लेट सपोज मैं आपको एक अपने से एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास अगर कहते हैं कि हमारे पास रिडक्शन हुई है, ठीक है, एक एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपके पास रिडक्शन हुई है, किसकी हुई है, रिडक्शन ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, ब्यूटाइल ब्यूटाइल हैलाइड विल गिव्स यू व्हाट, और आपके पास ऑप्शन आता है ए बी सी डी करके कि क्या देता है, आपके पास ये देता है ब्यूटेन, ब्यूटीन, या फिर अल्के, या फिर जो है वो इथेन, या फिर जो है वो प्रोपेन। तो अब आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बताइएगा इसका क्या बोलेंगे आप। अगर आपके पास बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ब्यूटाइल हैलाइड है तो ब्यूटेन इज एग्जांपल, ब्यूटेन इज आंसर, और इथेन और प्रोपेन, में चैट ऑन कर लिए, आप बता दें क्या होगा, ठीक है, क्या एग्जांपल होगा, ब्यूटेन, क्यों, क्योंकि ब्यूटाइल हैलाइड है ना, तो इसके अंदर से क्या हो रहा है, हैलाइड का ग्रुप सिर्फ निकल रहा है और हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, तो ये ब्यूटाइल हैलाइड क्या बनाएगा, ब्यूटेन, बिल्कुल समीन ब्यूटेन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करा है तो उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, तो प्लैटिनम यूज़ हुआ है। अगर आपने नेसन हाइड्रोजन यूज़ किया तो उसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, जिंक एचसीएल यूज़ हुआ है, ठीक है, ऐसे करके आते हैं। अच्छा, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, या आगे फिर मैंने वो फर्दर एग्जांपल लिखी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इज़ डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अंदर से निकालना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब हमारे पास सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिया है, कोई भी एसिड, यानी एल्केनोइक एसिड का मतलब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये जनरल लिख रही हूँ मैं, एल्केनोइक का मतलब है आर कुछ भी हो सकता है, सी एच, आपके पास मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर एसिटिक एसिड ले रही हूँ, उसके अंदर कॉस्टिक सोडा, ये चीज़ याद रखिएगा, व्हाट इज़ कॉस्टिक सोडा, एन ए ओ एच इज अ कॉस्टिक सोडा, क्विक लाइम क्या होता है, सी ए ओ एच इज अ क्विक लाइम, ठीक है, ये चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं। सोडा ऐश क्या होता है, एन ए टू सी ओ थ्री इज अ सोडा ऐश, या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं उसको, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, एल्केनोइक एसिड में एन ए ओ एच डालेंगे तो क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, इसमें से कैसे, ये ओ एच का एन ए ओ एच है ना, तो इसके अंदर ये ओ एन ए का ग्रुप अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का अलग हो जाएगा, ये ओ एच का ग्रुप निकलेगा, इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर निकाल देगा, और ये जो एन ए ओ का ग्रुप है ये यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, सोडियम एल्कुनेट। अब ये सोडियम एल्कुनेट जो है वो यहाँ पर आएगा, इसके फर्दर सोडियम हाइड्रो एन ए ओ एच से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एन ए टू सी ओ थ्री, यहाँ से एन ओ टू सी ओ थ्री निकालेगा, और ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये एन ए ओ किससे रिएक्ट करेगा, इससे, तो ये क्या बनेगा, एन ए टू सी ओ थ्री प्लस अल्केन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि देखें एथेनोइक एसिड आपने जब यूज़ किया है तो आपके पास क्या है, अगर आप देखें इथेनोइक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, इथीन आएगा, ठीक है, इथेनोइक एसिड से क्या आएगा, इथेन आएगा। अगर कुछ और यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अगर सॉरी इथेनोइक एसिड से क्या आएगा, मीथेन आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला तो रह जाएगा, ये वाला बाकी सारा किस में चला जाएगा, एन ए टू सी ओ थ्री को बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर इथेनोइक एसिड है तो इससे क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, मिथेनोइक एसिड से नहीं हो सकता, क्योंकि मिथेनोइक तो कोई एसिड ही नहीं है, इसका पहला ही स्टार्ट होता है एसिटिक एसिड दो कार्बन वाले से। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देती हूँ एमसीक्यूज़ का, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है कि प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड है, आपने उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कराई है, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या आएगा, फॉर ए इज़ आपके पास आएगा प्रोपेन, ठीक है, बी इज़ आपके पास आएगा इथेन, सी इज़ आपके पास आएगा ब्यूटेन, डी इज़ आपके पास आएगा मीथेन, तो मुझे बताएं क्या आएगा, ठीक है, अगर आपने प्रोपेनोइक एसिड का कराया तो क्या आएगा, नहीं, प्रोपेन नहीं आएगा, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, प्रोपेनोइक एसिड कराएंगे तो इससे एक कार्बन नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना, ये यूज़ हो गया एन ए टू सी ओ थ्री में, कोई बताए, प्रोपेनोइक एसिड को करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन तो क्या आएगा, प्रोपेन, इथेन या ब्यूटेन, इथेन, वेरी गुड, ठीक है, इथेन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दो कार्बन हमने तो प्रोपेनोइक लिया ना, मतलब तीन कार्बन वाला लिया है, लेकिन इसका एक कार्बन एन ए टू सी ओ थ्री को बनाने में यूज़ हो गया, ठीक है, इसलिए हमारे पास इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है इथेन। अगर आप बात करते हैं इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड क्या बनाएगा, मीथेन, ठीक है, तो ये इस तरह से आपने याद रखना है, अपने से एक कम वाला यूज़ होगा। अगर आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या बनाएगा, प्रोपेन, ठीक है।
ब्लर नज़र आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, लाइट ऑन करने दें मुझे। एक मिनट रुक जाएं, बस मुझे फ्लैश ऑन करने दें। आई थिंक स्क्रीन को मैंने सही से दूर साफ नहीं करा। आई डोंट नो इसकी फ्लैश कहाँ से ऑन होगी। अच्छा पेन चेंज करूँ, नज़र पेन से नहीं आ रहा। ठीक है एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है अब सही है आई गेस। चलें ठीक है, मैं जो है ना ये अभी चैट ख़त्म करी और पेन दूसरा यूज़ करती हूँ। फ्लैश में ऑन करती हूँ ज़रा। इनेबल फ्लैश। ठीक है अब आई गेस सबको सही नज़र आ रहा होगा। पेन में चेंज कर लेती हूँ। अच्छा डीकार्बोनाइजेशन हमारा हो गया। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास अगर इथेनोइक एसिड लेंगे, थोड़ा ब्लर आ रहा है। अच्छा इथेनोइक एसिड अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मीथेन आएगा। ठीक है अब डिस्कस कर लेते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। अब हमने क्या करा है, रिडक्शन ऑफ अल्कीन। इसका फोर्थ पार्ट क्या था, अल्कीन की रिडक्शन करेंगे यानी इसको रिड्यूस करेंगे। जब अल्कीन की रिडक्शन करेंगे यानी अल्कीन बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। ठीक है जिसके पास क्या है, दो बॉन्ड्स हैं। अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये पेपर में आता है इसको याद कीजिएगा, निकल 300 डिग्री सेल्सियस ये पेपर में आता है कि आपने क्या यूज़ किया अल्कीन की रिडक्शन, निकल यूज़ किया था, टेम्परेचर क्या था तो 300 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया ना तो हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा, पहले वाले बॉन्ड को। ठीक है पहले बॉन्ड को तोड़ेगा यानी पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और उसके बाद क्या बनाएगा, सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ठीक है अब ये इसने सिंगल बॉन्ड बना दिया और ये खुद ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर आपके पास मीथेन है ना तो मीथीन से मीथेन बनेगा, ये चीज़ आपकी याद करने की है। अगर आपके पास अल्कीन है ना तो आपके अल्कीन से अल्केन बनेगा। ठीक है आगे पीछे नहीं होगा, कार्बन अल्केन से अल्कीन, इथेन से इथीन, मीथेन से मीथीन, सॉरी मीथीन से मीथेन, अल्कीन से अल्केन। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा। सही यहाँ पर क्या था, इथीन थी ना, इथीन था, इथीन ने क्या बनाया है, इथेन बना दिया। सही है अब एक और है, वाट सिंथेसिस। वाट सिंथेसिस क्या होता है कि सोडियम मेटल का ऐड होना किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड याद रखिए क्या होता है, जैसे अल्केन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल ग्रुप अटैच हो रहा है, आप लोग अटैच कर रहे हैं क्लोरीन का ग्रुप अटैच कर रहे हैं, ब्रोमीन का अटैच कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वॉट सिंथेसिस। अब टू RCl, ठीक है RCl मतलब कोई भी अल्काइल प्लस क्लोरीन प्लस Na डाला, सोडियम उसके आपने अंदर ऐड करा है तो क्या बनेगा, ये क्या अल्काइल हैलाइड में आपने डाला तो ये क्या हो जाएगा, NaCl, दो यूज़ किया ना, ठीक है NaCl बन जाएगा और ये क्या बनेगा, NaX। अब जब NaCl बना, ये देखें RR अल्केन, जब NaCl बना है और ये R क्योंकि इसके पास दो थे, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप मिथाइल आयोडाइड ले रहे हैं ना तो ये आपके पास इथेन बनाएगा। ठीक है मिथाइल आयोडाइड आपके पास क्या बनाएगा, मीथेन। अगर आपको मैं बोलूँ इथाइल आयोडाइड, आपने क्या यूज़ किया, इथाइल आयोडाइड, क्योंकि हम दो यूज़ करते हैं, ठीक है हमेशा दो दो पेयर यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, इथाइल का डबल क्या बनेगा, चार ग्रुप वाला। ठीक है ब्यूटाइल, अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ब्यूटेन, क्योंकि इसके पास कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं। ठीक है अब दो कार्बन के पास जब दो के चार हो जाएंगे, ठीक है दो है ना डबल, तो दो के जब चार हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा, वॉट सिंथेसिस में क्या होता है, डबल हो जाता है। अगर मैंने यूज़ किया ना, ये देखें मैंने क्या यूज़ किया, सबसे सिंपल यूज़ किया है, कौन सा मीथेन यूज़ किया, जब मैं मिथाइल आयोडाइड ले रही हूँ तो क्या बनेगा, इथेन यानी दो,
इसके पास दो है ना, तो ये एक और कार्बन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ईथेन। और इसके अंदर ईथर यूज़ करते हैं, ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब एक छोटे से एग्जांपल है, ये वॉट सिंथेसिस पेपर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन नहीं, अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, हाँ ठीक है, प्रोपेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यूज़ करा है, दिस इज़ अ क्वेश्चन, मैंने यूज़ करा है प्रोपेन, मैंने यूज़ किया है प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड। तो अब आप मुझे बताएं कि वॉट सिंथेसिस के बाद ये क्या बनाएगा। प्रोपाइल क्लोराइड में कितने होते हैं कार्बन, तीन कार्बन होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब मुझे बताएगा ये क्या बनाएगा, मैं ऑन कर रही हूँ, तो क्या मुझे बता सकें क्या बनाएगा, चैट ऑन है, बताएं प्रोपाइल क्लोराइड क्या बनाएगा हमारे पास, प्रोपाइल क्लोराइड क्या बनाएगा हमारे पास, प्रोपाइल क्लोराइड के पास कितने हैं, तीन कार्बन है, 1 2 3। अब अगर ये तीन कार्बन है, ये क्या कितने बन जाएंगे, तीन कार्बन है ना, अभी कितने बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे, डबल मतलब छः बन गए, ठीक है, छः बन गए। तो अब ये क्या बनाएंगे, हेक्सेन, ठीक है, ये चीज़ आती है पेपर में, क्या बनाएंगे, हेक्सेन। प्रोपाइल क्लोराइड क्या बनाएगा, हेक्सेन, बिकॉज हेक्सेन हैव द 6 कार्बन इन इट, एंड प्रोपाइल क्लोराइड के पास दो, हम दो पेयर लेते हैं प्रोपाइल के, तो इट विल मेक हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी दे दिया है। इसके अलावा जो एक और हमारा लास्ट है, नहीं पाँच ही थे, पाँच हो गया। अब हम डिस्कस करें अल्कीन। पहले हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे अल्केन के, हमारे पास पांच मेथड थे, अच्छे से कर लिए। अब हम पढ़ने लगे हैं किसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन विच हैव द डबल बॉन्ड इन इट। अच्छा, मैं चैट बंद कर रही हूँ फॉर अ वाइल। अच्छा, अब देखिए आपके पास क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन अल्कीन के अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप क्या करें, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हो, डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल के अंदर से वाटर का रिमूव करो, तो आपके पास क्या आएगा, अल्कीन। एच का निकला यहाँ से, ओ एच का निकला, इन्होंने आपस में क्या बना दिया, एच टू ओ बना दिया। अब इनके पास कोई था ही नहीं, तो इन्होंने क्या करा, डबल बॉन्ड बना दिया, अल्कीन बना दिया। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपके पास आता है इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने से क्या बनेगा, ठीक है, इथाइल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करने से क्या बनेगा, ना कि इथेन, इथेन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, ब्यूटीन। अब ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, बेसिकली ये देख लें आप, पहले अल्कीन के हमारे जो मेथड्स हैं, सबसे पहला क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल डिहाइड्रेशन होगी, फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन का ग्रुप भी निकलेगा अल्काइल हैलाइड से, फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइल, उसके रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, फिर डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये चार रिएक्शन है अल्कीन जिससे हमारे पास प्रिपेयर होते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, याद रखिएगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, ये भी पेपर में पूछते हैं कि अगर आप H2SO4 अगर आपको दे देंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपके पास क्या टेम्परेचर है, तो आपको पता होना चाहिए 170 डिग्री, इसको कहीं लिख लें। Al2O3 है तो कितना है, 350 से 360 डिग्री सेल्सियस। H3PO4 Al2O3 है तो कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं चीज़ों को, या जो है ना वो लिख नहीं रहे साथ में, साथ में लिख रहे हैं या बाद में लिखेंगे, मतलब बाद में वीडियो देख के लिखेंगे। नोट्स के स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ठीक है, टू एन ए इसलिए यूज़ किया था कि Na2 बन सके, टू एन ए यूज़ किया तो कि ये Na2 बन सके, Na2CO3, ठीक है, जब Na2CO3 में Na2 होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, बाद में लिखेंगे, हाँ मैं अपने बैच के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, जो भी आपको कंफर्टेबल है कि वो लिख लीजिएगा, बाकी जो मेरे बैच के अंदर हैं उनके साथ मैं अपने नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूँगी, और बाकी आप लोग जो हैं वो फिर अपने कुछ नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये देखें, हमने कहाँ यूज़ किया, Al2O3 यही वही चीज़ है, मतलब सेम चीज़ है, आपके पास जो रिएक्टेंट है वो भी सेम है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी सेम है, यानी आपने क्या यूज़ किया है, इथेनॉल यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेपर में चीज़, ये बहुत ज़्यादा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोलें उतना कम इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि Al2O3 है, H2SO4 में 170, अब आपने देखे वही चीज़ है, यानी आप मिथेनॉल से क्या बना रहे हो, इथेन बना रहे हो, ठीक है, इथेनॉल से इथीन बना रहे हो। अब अगर आपके पास मिथेनॉल है तो, मिथेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा,
सही, लेकिन आपके पास सिर्फ चेंज होने वाली चीज़ क्या है, किसी में आप H2SO4 अगर यूज़ करो तो 170 डिग्री, अगर Al2O3 यूज़ करो तो 350 और 360 डिग्री, अगर H3PO4 यूज़ करो तो 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये यहाँ तक याद रखिएगा चीज़ों को। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, मेकैनिज़म क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। दूसरा है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ये रहा डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हमारे पास क्या दे रहे हैं, इसका एक काफ़ी बड़ा सा प्रोसेस है, बस आप इतना याद रखिएगा कि अगर हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं यानी H2 का भी रिमूव कर रहे हैं अंदर से और H2SO4 भी रिमूव हो रहा है, तो ये क्या देगा, इथीन देगा। ठीक है, इथीन देगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं कैसे, इथेनॉल हमने लिया है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रही है अल्कोहल की। ये जो हमने यहाँ पर छोटा सा करके इतना, मतलब ये जो हमने यहाँ से लिखा ना, ये बेसिकली एक पूरा डिटेल प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं, जिसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बस आप इतना याद रखें कि आपके पास अगर मिथेनॉल दिया हुआ है, सॉरी मिथेनॉल तो हो नहीं सकता, इथेनॉल दिया हुआ है तो क्या होगा, इथीन, प्रोपानॉल दिया तो क्या होगा, प्रोपीन, ब्यूटानॉल दिया तो क्या होगा, ब्यूटीन, ना कि ब्यूटेन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये पूरा मैकेनिज्म है, उसके ऊपर नहीं जाएं। अच्छा, नेक्स्ट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन प्लस हैलाइड का ग्रुप निकलो, यानी HCl, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब HCl, H और क्लोरीन, हाइड्रोहैलो मतलब हाइड्रोजन का ग्रुप और क्लोरीन का ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है इसके अंदर से। अब बेसिकली हमने क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड जो भी हो, जैसे मिथाइल हैलाइड भी हो सकता है, उसको किससे रिएक्ट कराएंगे, अल्कोहलिक पोटैश से, अल्कोहलिक मतलब KOH, उसके अंदर हाइड्रोजन अल्कोहल का ग्रुप होगा पोटेशियम के अंदर, तो इसको कहेंगे अल्कोहलिक। अब ये क्या होगा, के इसका क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, KCl, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, KCl भी बोल सकते हैं, KS भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो OH का ग्रुप है, ठीक है, इसका जो OH का ग्रुप है, इसका ये हाइड्रोजन का ग्रुप निकलेगा, ठीक है, इसका ये OH, इसका ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। सही, अब इसके दरमियान में क्या हो जाएगा, देखें दोनों के ग्रुप खत्म हो गए ना, अब तो बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो इन्होंने क्या कर लिया, आपस में पाई बॉन्ड लिया है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, सिग्मल बॉन्ड तो ये पहले से था, पाई बॉन्ड। अगर आप इसके अंदर देखें तो हाइड्रोजन मतलब वाटर का भी रिमूवल हुआ है और आपके पास हैलोजन का भी रिमूवल हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसकी सिंपल, ये देखें आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है इथाइल हैलाइड की, उसके अंदर कौन सा पोटैश यूज़ करते हैं, एक होता है वाटरी वाला, एक होता है अल्कोहलिक। ठीक है, हाइड्रो वाला नहीं यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक पोटैश यूज़ करेंगे। अब आपने अल्कोहलिक पोटैश यूज़ करा है तो क्या बनेगा, KCl, दिस KCl और वाटर का बनेगा तो H2O बनाएगा और बीच में क्या देगा, इथीन, यानी डबल बॉन्ड। नाउ वी हैव द रिडक्शन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की रिडक्शन करना, यानी अल्काइन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, तीन बॉन्ड थे, हाइड्रोजन ऐड होगा, वेरी सिंपल, निकल यूज़ किया, पहले में हमने क्या यूज़ किया था, 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर देख लें 200 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और पेपर में आता है। अब आपने क्या करना है, ये हाइड्रोजन आएगा, इसको ये रिमूव करेगा, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दो वाला बॉन्ड, अल्कीन बन जाएगा, वेरी सिंपल, बस इसके अंदर निकल और 200 याद रखिएगा। पहले वाले में क्या था, जिसके अंदर आपने अल्केन बनाया था उसके अंदर कितना था, 300 था, इसके अंदर कितना है, 200, कम टेम्परेचर यूज़ हुआ पहले वाले से। देन वी हैव द डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। डीहैलोजिनेशन मतलब हैलोजिन का ग्रुप रिमूव करना। ठीक है, विसिनल डाई, विसिनल का मतलब होता है दो हैलाइड ग्रुप आपके पास एक ही जगह लगे हुए, यानी दो कार्बन है और दोनों के साथ आपके पास कोई हैलाइड का ग्रुप लगा हुआ है, यानी अटैच है, दे आर कॉल्ड एज विसिनल डाई हैलाइड। अब ये कार्बन कार्बन है, ClCl यूज हुआ है, ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड प्लस जिंक। अब जिंक क्या करेगा, अपने पास इस ये जिंक का आपको अगर पता चले तो ZnCl2 होते हैं, ठीक है, हमेशा यानी हैलोजन के दो ग्रुप अटैच होते हैं जिंक के साथ, तो ये जिंक डस्ट यूज़ करेंगे, इसके अंदर से दोनों हैलोजन ग्रुप निकाल लेगा और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ZnCl2 प्लस दो डबल बॉन्ड आ गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्कीन। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इथेनल डाई हैलाइड। ठीक है, इथेनल डाई हैलाइड अगर है तो ये क्या देगा, इथेन देगा। ठीक है, इथीन देगा, इथीन, तो ये चीज़ याद करने की है, इथेनल डाई हैलाइड है तो ये क्या देगा, इथीन देगा। या कोई भी विसिनल डाई हैलाइड है ना, कोई भी विसिनल डाई हैलाइड, वो क्या देगा, डबल बॉन्ड वाला यानी अल्कीन देगा। ठीक है जी, हैलोजिनेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे प्रिपरेशन वगैरह हो चुके हैं, प्रिपरेशन वगैरह हो चुके हैं, अब हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है कि किस तरह से जो है हम इथीन को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, इथीन की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब इथीन को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे, और अल्काइन की प्रिपरेशन के बाद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। वी हैव द इथीन। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के अंदर हाई प्रेशर जब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन। अब कैसे बनेगा, जो टेम्परेचर देंगे ये सब कुछ आपको याद रखना है। सही, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इथीन को अगर हम हाई टेम्परेचर यानी हाई प्रेशर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉलीइथीन बन जाएगा। यानी सिंगल बॉन्ड बहुत सारे आपस में इथीन बन जाएंगे, ऐसे CH2 करके आपस में अटैच, ठीक है, ऐसे करके सो ऑन। तो ये पॉलीइथीन बन गया, क्योंकि ये दो ग्रुप लिए ना, एन का मतलब है बहुत सारे बनते जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। उसके बाद वी हैव द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर एल्कीन के ग्रुप में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम अल्कीन के ग्रुप में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, एडिशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, तो अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, इथेन यानी अल्केन बन जाएगा। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि हमने जैसे आपने देखा था कि इथेन से अगर इथीन बनाया था तब हमने जो टेम्परेचर यूज़ किया था, इथीन से इथेन बनाया तो क्या टेम्परेचर यूज़ किया है। ठीक, एडिशन करेंगे तो हमेशा बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन का, जब भी एडिशन होगा तो बॉन्ड टूटता है। एक चीज़ यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको याद रहे था कि अगर आपके पास कोई भी बॉन्ड अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन के अंदर रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड कराएंगे तो ये क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। ठीक है, अगर अल्कीन में आप हाइड्रोजन का ऐड कराएंगे, ठीक है, अल्कीन में हाइड्रोजन का ऐड कराएंगे तो ये अल्केन बनाएगा। अब अल्केन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करा के कुछ बन ही नहीं सकता। सही, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अल्काइन में हाइड्रोजन का बॉन्ड करेंगे तो अल्कीन बनेगा। सही, तो ये सारी चीज़ें याद रखने की चीज़ें। अब इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, निकल यूज़ हो रहा है, प्लेटिनियम, प्लेडियम, ये सारे यूज़ हो रहे हैं। नाउ वी हैव द एडिशन ऑफ हैलोजिन। हैलोजिन का अभी हो सकता है, कैसे होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर दो Cl लिए हैं, Cl2 लिए ना हमने, तो क्लोरीन इधर भी आ जाएगा, क्लोरीन इधर भी आ जाएगा, जैसे विसिनल डाईहैलाइड बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या आता है कि हमारे पास इथेन से क्या बनता है, इथेन से बनता है इथेन विसिनल डाईहैलाइड। सही, अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं दो क्लोरीन है, Cl2, तो यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पर अगर ब्रोमीन है तो क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, और ये बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड से बन रहा है। सही, तो ये चीज़ आसान है बहुत। देन वी हैव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का, तो ये कितना सिंपल है, देखें हाइड्रोजन अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा। ऐसे अगर अब इसको वो करके लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, CH3CH2Cl यानी क्लोरोइथेन। अब कर लेते हैं एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या होता है, H2SO4 अगर हम तोड़ के देखें तो ये क्या होता है, H+HSO4, ठीक है, ये होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी दो बॉन्ड है, यानी देखें CH2 CH2 है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास एक के पास क्या आ जाएगा, H, और दूसरे के पास क्या आ जाएगा, HSO4। ठीक है, HSO4 को कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, OSO3H, बात एक ही है। ठीक है, ये लिखें या ये लिखें, बात एक है। सही, तो यानी अगर आप H2SO4 का एडिशन कराते हैं तो आपके पास क्या आता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बहुत आसान है, बेसिकली क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड होता है ना वो टूट जाता है और इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, दैट्स क्वाइट ईजी। अगर HCl होगा तो क्या होगा, H इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। अगर H2 डालेंगे तो क्या होगा, H इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी हैव एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस मतलब OH और Cl, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोहैलस एसिड। अब अगर एक जगह OH है, एक जगह Cl है, तो अब इसका बॉन्ड टूटेगा, एक जगह क्या आ जाएगा, OH लगेगा, एक जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, ये देखें, ठीक है, क्या बन गया, 2-chloro-1-ethanol, इसको क्या कहते हैं, हेलो एल्कनॉल। सही, देन वी हैव द एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर क्या होता है, क्लोरीन वाटर में आपने वाटर ऐड कराया, यानी Cl2 में वाटर ऐड कराया, तो क्या बना, HCl+HOCl। अब अगर आपके पास कोई भी इथेन है, मतलब इथीन है, इसके अंदर HCl डालेंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, यानी इथीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर आपने HCl डाले तो ये कैसे बनेगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, जगह स्पेयर हो गई, अब क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर क्लोरीन लग जाएगा। अगर बात करते हैं OHCl, यानी देखिए आपके पास क्या बनाया था, HCl+HOCl बनाया था ना, HCl में HCl डल गया, H इधर डल गया, Cl इधर, अब HOCl में यहाँ पे OH डल गया, यहाँ पे Cl, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब ब्रोमीन वाटर को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर मतलब
तो एच बी आर है, एच ओ बी आर, इधर एच आ जाएगा, इधर बी आर आ जाएगा, इधर ओ एच आ जाएगा, इधर बी आर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। वाटर का मतलब है एच टू ओ, एच टू को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, एच और ओ एच, तो इधर एच आ जाएगा, इधर ओ एच आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सही। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास इथीन है तो इथीन के अंदर अगर आप वाटर का एडिशन कराते हो तो क्या बनता है, इथेनॉल। ये वैसे जब हम अल्कोहल का टॉपिक पढ़ेंगे जब भी कवर हो जाएगा। इथीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, इथेनॉल, सही। कैसे बना, हाइड्रोजन इधर लग गया, ओ एच इधर, तो ओ एच का ग्रुप क्या होता है, ऑल का ग्रुप, मतलब अल्कोहल का ग्रुप। अगर आप बात करते हैं एडिशन ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का वैसे हम ये कर चुके हैं, क्या किस में कन्वर्ट होगा, H में होगा, और किस में हो जाएगा, HSO4 में होगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, HSO4 आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, सही। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कीन की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन मतलब है ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो KMnO4 से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, KMnO4 का ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर KMnO4 लिखते हैं। अब ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी अल्कीन की करते हैं ना तो ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं और वाटर भी यूज़ करते हैं। तो अब देखें, अगर ये, अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, OH, ठीक है, यही बना रहे हैं ना। देखिए इसको मिला के कितना बनेगा, H2O2, इसका मतलब है दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, दो OH के ग्रुप है, राइट। तो इसके पास दो OH के ग्रुप है तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल, ठीक। अगर आपके पास एग्जांपल एक दिखी हुई है, अगर आपके पास इथीन है तो इथीन से कौन सा ग्लाइकॉल बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, आ जाएगा। और किस, कहाँ से आया ये ऑक्सीडेशन, KMnO4 के ऑक्सीडेशन से। एक और इसकी एप्लीकेशन है मस्टर्ड गैस के साथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मस्टर्ड गैस के साथ। मस्टर्ड गैस बेसिकली एक पॉइजनस गैस होती है जो कि वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी। अब हमारे पास इथीन के अंदर और फॉर्मेशन कैसे बनती है, इसका एक पेपर में MCQs भी आया हुआ है कि मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन किससे होती है। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, किससे होती है, इथीन से होती है। अभी आपको कब पता चलेगा, जब आपके पास एक जगह नोट्स कंपाइल होंगे, आप उनको एक जगह लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मस्टर्ड गैस इथीन से बन रहा था, इतना आसान क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है, इथीन से बन रहा है, ना कि किसी और से, सिर्फ इथीन से बनता है। अब ये देखें, इथीन का ग्रुप लिया आपने, दो लिए, साथ में H2Cl2 लिया, सल्फर क्लोराइड। अब इसने सल्फ कैसे बनाया, सल्फर का ग्रुप इधर आ गया और ये क्या बना रहा है, देखें क्लोरीन के दो ग्रुप्स हैं ना, तो इसका क्लोरीन एक इधर ऐड हो रहा है, एक इधर, ये क्या बनाएगा, CH2CH2Cl, सही। तो ये इसको मस्टर्ड गैस का दूसरा नाम भी पेपर में आया हुआ, क्या होता है इसका दूसरा नाम, बीटा डैश, ये बीटा डैश है, बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, सही। और ये किससे बनता है, इथीन से बनता है, बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, इसको लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्कीन का हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नाउ अभी जो है हम लोग करने लगे हैं अल्काइन करने लगे हैं, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। याद है किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये नोट्स की PDF सिर्फ बैच वालों को मिल सकती है। आप लोगों के सामने मेरे नोट्स हैं, आप लोग खुद बनाएं तो देखें, आपके अपने हैंडमेड नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हैं एज़ कम्पेयर टू माई वन, मैंने खुद बनाए, आप मेरे वाले से देख के जी ये लाइफ सेव हो जाएगी, हम ये लाइफ सेव करूँगी। और दूसरी ये कि देखें, जो आप, मैं अपने नोट्स बना रही हूँ ना, मैंने अपने खुद नोट्स बनाए, तो आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि आपको याद रहें। अब आपको अपनी हैंड राइटिंग याद रहेगी, मुझे मेरी याद रहेगी, तो मेरे, आपको देखिए नोट्स तो पूरे मिल रहे हैं आपके सामने हैं, बस उसको लिखना है आपको अपने हाथों से। तो इट्स बेटर कि वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी लेकिन सिर्फ बैच वालों को, और बाकी सब कुछ तो आप लोग देख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अल्काइन, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं साथ साथ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि सब कुछ क्लियर रहे। अब हम डिस्कस करें अल्काइन, अच्छा मुझे बताएं यहाँ तक काफ़ी है, अल्काइन भी कर लेते हैं, अल्काइन कर लें या यहाँ तक अच्छी क्लास काफ़ी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके और इसके भी रिएक्शंस हैं। चैट ऑन है, काइंडली बताएं कि मैं इसके आगे जो है करवा दूं या फिर इतना क्लास काफ़ी है, अल्काइन हम नेक्स्ट सेशन में कर लें, ठीक है। अच्छा सबका यही है, कर लें, ठीक है। आप लोग भी इसको आज ही कवर कर लीजिएगा ताकि ईद से पहले आपकी भी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैंने सेशन जो है ना, लाइक चांद रात को हमारा लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह ताला, और फिर ईद जो है वो आपकी
आराम से गुजरेगी। ऑक्सीडेशन, देखिए एसटीबी में कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं लेकिन मैंने आपको लिखवाई हैं क्योंकि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ तो चैट ऑफ करी ताकि फोकस्ड कर सकूँ। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ना, ये एसटीबी एफटीबी दोनों से मिला के बने हुए हैं ताकि चीज़ें कवर हो सकें। अब पेपर में आता है तो फिर कवर तो करना है ना, तो आप लोग यहीं से देख लें। बाकी इसके अंदर एसटीबी वाले भी बहुत सारी चीज़ें एसटीबी वाली भी हैं, मैक्सिमम एसटीबी की ही हैं, और लेकिन जो एफटीबी में है और एसटीबी में नहीं है तो वो भी हैं। अच्छा, अब अल्काइन की बात करते हैं। अल्काइन हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अल्काइन की प्रिपरेशन कैसे होती है, तीन मैथड से होती है। एक होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, एक होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, एक होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब वही कि वाटर भी रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। उसके बाद डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हैलोजन का ग्रुप रिमूव हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस मतलब कैल्शियम कार्बाइड के अंदर हम हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर का हाइड्रो मतलब वाटर का रिमूवल करवा रहे हैं, किस में, कैल्शियम कार्बाइड में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये सब कुछ। सबसे पहला क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, हमारे पास देखिए आपके पास दो हैलोजन के ग्रुप हैं। ठीक है, दो हैलोजन के ग्रुप है प्लस एल्कोहलिक, इसके अंदर भी एल्कोहलिक पोटैश यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास दो हैलोजन के ग्रुप हैं लेकिन इसके अंदर हमने दो यूज़ किए हैं। ठीक है, टू KOH, तो अब क्या होगा कि ये बना लेगा KCl। ठीक है, दो KCl बनाएगा क्योंकि दो है ना, तो दो KCl। अब इस ये OH क्या करेगा, इसको भी तो कुछ करना है ना, तो ये OH क्या करेगा, ये जो ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए ना, ऊपर हाइड्रोजन के ग्रुप लगे हुए हैं, इनको अपने साथ तोड़ लेगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, दो वाटर बना देगा। दो KCl बन गया, दो वाटर बन गया। अब इसके अंदर दो मतलब दो बॉन्ड्स की जगह खाली हो गई, सिर्फ क्या, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ ये बच गया। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन इसके पास बच गया। अब ये क्या करे, इसके पास बॉन्ड, आपको पता है कार्बन के पास चार बॉन्ड होते हैं ना, तो अब ये क्या करेगा, ये अपने दो और बॉन्ड ले आएगा, अपने अपने साथ ही कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये क्या बना लेगा, अल्काइन। ठीक है, अल्काइन बना लेगा। अच्छा, उसके बाद अगर देखते हैं, डिफरेंट पेन यूज़ करें ताकि अगर नोट्स मैं आपको शेयर करूँगी तो मैं तो इतना कचरा कर चुकी हूँ इस पर। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए आपके पास क्या बना रहे हैं, अब अगर आपके पास एग्जांपल आ रही है 1,2-dichloroethane। ठीक है, डाईक्लोरोइथेन अगर आपको ये बोल रहे हैं कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करा रहे हैं और आपके पास 1,2-dichloroethane और दो KOH यूज़ करें। ठीक है, दो पोटैश, तो जब भी पोटैश दो यूज़ करेंगे तो आप याद रखें, आपने याद रखना है कि क्या प्रोड्यूस होगा, अल्काइन यानी इथाइन, इथाइन प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास एक यूज़ करेंगे मतलब एक KOH यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, यानी एक KOH यूज़ करेंगे तो आपके पास इथेन, इथीन बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे हम पीछे भी कर चुके हैं। और इथाइन का दूसरा नाम क्या होता है, एसिटाइलिन, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आया हुआ था कि इथाइन का इतना कितना आसान क्वेश्चन है ना, इथाइन का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ एसिटाइलिन। अच्छा, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। डीहैलोजिनेशन मतलब आपके पास हैलोजिन का रिमूवल होगा, टेट्राहैलाइड यानी चार हैलोजिन है। अब आपको पता है जिंक क्या करते हैं, ZnCl2 बनाते हैं, राइट, ZnCl2 बनाते हैं। अब हमने दो जिंक यूज़ कर लिए, अब दो ZnCl2 बनेंगे। ठीक है, एक ZnCl2, दूसरा ZnCl2। अब ये क्लोरीन कहाँ से लेंगे, एक वाला इसने अपना यहाँ से ले लिया और इस वाले ने अपना कहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो ये क्या बन गया, दो ZnCl2 प्लस ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गए। ठीक है, अल्काइन बन गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब इसकी एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। अब इसने वाटर के साथ क्या किया, एडिशन करा है, तो ये क्या बनाएगा, वाटर के साथ एडिशन करा है तो ये COH2 बनाएगा और साथ में इथाइन बनाएगा। ठीक है, इथाइन बनाएगा और COH2, CaO यहाँ से आ गया, OH2 यहाँ से आया है और क्या बच गया, वापस जो पीछे बचा है वो सिर्फ क्या बना, C2H2। ठीक है, C2H2 बना बचा। अच्छा, उसके बाद देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं अल्काइन की, कि अल्काइन की क्या क्या केमिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर अल्काइन में हम निकल को देते हैं 300°C अल्काइन को, तो ये क्या बनाएगा, अल्कीन। ये मैंने इससे पहले ही बताया था, अल्कीन में निकल और 300 देंगे तो क्या बनेगा, अल्केन। ठीक है, यानी अगर आप किसी एक बात कर लेते हैं किसी भी उसकी, तो हम देखते हैं इथाइन, इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करा तो क्या बनाया इसने, इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करने से इसने बनाया है इथीन, इथीन में हाइड्रोजन ऐड करा तो इसने क्या बनाया, इथेन। कैसे बनाया, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया ना, क्या बन गया, इथेन बन गया, सॉरी इथीन बन गया। अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हैलोजिन। हैलोजिन क्या होता है, HCl। ठीक है, HCl, H+ और Cl। अब अगर आपने क्लोरीन की हैलोजिन, सॉरी क्लोरीन हो गया, ठीक है, हैलोजिन ग्रुप से बात करें, हैलो हैलोजिन नहीं,
क्लोरीन का ऐड कराना है तो कैसे होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये क्या बन जाएगा, Cl क्या बना, डाई हेलो अल्कीन। ठीक है, ये फर्दर भी आपके पास एडिशन हो सकता है, डाई हेलो अल्कीन फर्दर अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फर्दर है ना, डाई हेलो एल्कीन बन गया। अब अगर ये फर्दर किसी हेलोजन के ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये रिमूव होगा फर्दर बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी HCl यानी हाइड्रोजन हेलाइड। अगर आप एडिशन करा रहे हैं हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड क्या होता है, HCl या फिर HBr या फिर HI, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी दे सकते हैं। अब अगर आप देखते हैं आपने अल्काइन यूज़ करा है, अल्काइन के साथ HCl यूज़ करा है, अल्काइन के साथ जब HCl रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन और इधर क्या आएगा Cl, ठीक है, सिर्फ Cl, तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड C और एक HCl। अब इस डबल बॉन्ड के साथ फर्दर भी तो देखें, इसके पास डबल बॉन्ड है, अगर इसके पास फर्दर से रिएक्ट कराएंगे HX को, X क्या है इसके लिए, हैलोजन, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जब रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, देखें इसके पास डाई है, डाई क्लोरो बना है, सही है। अच्छा, ये फर्दर मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि अगर हमारे पास इथीन है तो इथीन में हाइड्रोजन क्लोराइड करेंगे तो उसके पास एक के पास क्लोरो आएगा, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया वन क्लोरो इथीन बन गया। ठीक है, फिर अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बना, डाई क्लोरो इथीन बन गया। ठीक है, डाई क्लोरो क्योंकि दो दो क्लोरीन लग गए। देन वी हैव एडिशन ऑफ हाइपोहेलर एसिड, हाइपोहेलस मतलब HOCl हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, इसके बाद एक और बॉन्ड है फर्दर टूटेगा, ठीक है, फर्दर टूटेगा और फिर फर्दर भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब अगर देखें एडिशन ऑफ वाटर टू ब्रोमीन, वाटर क्या देता है, ब्रोमीन प्लस H2O, HBr प्लस HOBr, अभी HBr से भी रिएक्ट कराएंगे, HOBr से भी, ये डबल बॉन्ड है, ये HBr है, इसका सिंगल, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, क्या बना लेगा, H और HBr इधर आ गया। अब ये फर्दर टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, OH इधर आ जाएगा, ये तो बन गया ना। अब OH के साथ भी करेंगे तो OH के साथ क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, किसका, अल्काइन का बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बनाएगा, हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, इसी तरह सेम गोज़ विद द क्लोरीन वाटर, क्लोरीन में भी क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन प्लस H2O HCl प्लस HOCl से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लोरीन वाटर क्या बनाएगा, HCl और HOCl, HCl अलग से करेंगे और HOCl हम अलग से करेंगे, ये अल्काइन आ गया प्लस HCl, अब ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को बात करें HOCl के साथ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे Cl, जो कि आगे दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं OH यानी हाइपोक्लोरस एसिड के साथ तो OH इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ये सारा एग्जांपल करके बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या यूज़ होता है, H2SO4 और HGSO4 यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा, अल्काइन में जब भी वाटर ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या देते हैं, कोई भी अल्कोहल, सॉरी अल्काइन में जब ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, अल्कीन में जब ऐड करा तो उसने अल्कोहल दिया था। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है HOH, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H आ जाएगा, ये H आ गया, इधर OH आ गया, ये OH आ गया। ठीक है, अब इसकी फर्दर रीअरेंजमेंट करेंगे, ये जो है ना हमारे पास हेलो अल्कीन बने, सॉरी अल्कीन बने, इसकी फर्दर, इसे विनाइल अल्कोहल कह रहे हैं, इसको फर्दर इसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, इसकी फर्दर अरेंजमेंट करेंगे, देखिए दो कार्बन है, डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड का ग्रुप, अगर ये आप देखें एल्डिहाइड। ठीक है, यानी विनाइल अल्कोहल को अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इन शॉर्ट आपके पेपर में ये आ सकता है कि आप ये बताएं कि अगर आपके पास इथाइन है, ठीक है, इथाइन है तो इथाइन से क्या बनेगा, तो इथाइन से क्या बनेगा, इथेनल बनेगा। ठीक है, इथेनल बनेगा, Al, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले से क्या बनेगा, एल्डिहाइड का ग्रुप, Al का मतलब होता है एल्डिहाइड का ग्रुप, इथेनल बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास इथीन होता तो क्या बनता, इथेनॉल बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, सही है। फिर ये मैंने फर्दर एक रिएक्शन दिखा दिया है कि हमारे पास क्या है, ये इथाइन है, इथाइन ने रिएक्ट करा तो इसने क्या बनाया है, इथेनॉल बना दिया, यानी एल्डिहाइड का ग्रुप बना दिया। देन वी हैव एडिशन ऑफ NCN, ठीक है, अब नाइट्रोजन साइनाइड है, ये NCN क्या होता है, सॉरी HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, अब हमने ट्रिपल बॉन्ड है तो ये H है और ये CN है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पे CN आएगा। ठीक है, ये H आ गया, यहाँ पे CN आ गया, क्या बना, साइनो अल्कीन, यानी एक इसको साइनो अल्कीन क्या कहते हैं, एक राइलो नाइट्रिल। ठीक है,
तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जो हमने रिएक्शन में यूज़ किया वो क्या है, NH4Cl एंड CO2Cl2 HCN एड हुआ है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और CN यहाँ आ जाएगा, क्या बना, साइनोइथीन, यानी इथाइन से क्या बन रहा है, साइनोइथीन, इसको विनाइल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं और दो कोई और बॉन्ड कोई और अलग अलग से लगे होते हैं तो उसे कहते हैं विनाइल, ठीक है। तो ये क्या है, साइनोइथीन, यानी आपके पास अगर लिखती हूँ मैं प्रोपाइन है तो आपके एग्जाम में आ रहा है कि प्रोपाइन से क्या बनेगा, तो प्रोपाइन से क्या बनेगा, साइनो प्रोपीन, ठीक है, साइनोप्रोपीन बनेगा, ठीक है। यानी प्रोपाइन के अंदर HCN का ग्रुप ऐड करने से ये क्या बना, साइनोप्रोपीन बन गया। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के ग्रुप का ऐड करना, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ग्रुप कहाँ से आ रहा है, KMnO4 से आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास दो इसकी कंडीशन है, ठीक है, इसकी दो कंडीशन है, एक है कोल्ड में, जब आपके पास कोल्ड KMnO4 दे रहे हैं, जब आपके पास हॉट दे रहे हैं, ठीक है। जब अगर आपके पास कोल्ड की कंडीशन होगी ना, तो आपने याद रखना है, जब आपके पास कोल्ड होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, कोल्ड से हमेशा फॉर्मिक एसिड बनता है और हॉट से हमेशा ऑक्सैलिक एसिड बनता है, ठीक है, कोल्ड से फॉर्मिक एसिड एंड हॉट से ऑक्सैलिक एसिड। अब कैसे बनेगा, हमारे पास इथाइन दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या दिया हुआ है, ये इथाइन है, ठीक है, इथाइन ने रिएक्ट करा है ऑक्सीजन यानी वाटर, ऑक्सीजन प्लस H2O से, तो ये क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा मिथेनोइक एसिड बनाएगा, ना कि इथेनोइक, इथेनोइक नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, इथाइन से मिथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है, इथाइन से क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड, एक ग्रुप कम बनेगा। अगर आपको मैं बात करती हूँ प्रोपाइन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपके पास प्रोपाइन है तो प्रोपाइन से क्या बनेगा, आप लोग मुझे आंसर दें, क्या बनेगा प्रोपाइन से, प्रोपाइन से क्या बनेगा, अगर आपके पास प्रोपाइन है तो प्रोपाइन से क्या बनेगा, ऑप्शन दे देती हूँ आपको, दो ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास बन सकता है एक इथेनोइक एसिड और एक मेथेनोइक एसिड, सॉरी नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बनेगा, वेरी गुड, वेरी गुड आमना, इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है, सही है, इथेनोइक एसिड बनेगा। अगर आप हॉट की बात करते हैं तो हॉट में हमेशा याद रखिएगा क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक, और जितने कार्बन दिए ना उतने का ही बनेगा, फॉर एग्जांपल मैंने इथाइन यूज़ करा है और मैं बोल रही हूँ हॉट को, हॉट KMnO4, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सैलिक एसिड बनेगा और कौन सा बनेगा, सेम कार्बन का, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर बताया जब कोल्ड की बात है तो एक कम करना है, इथाइन है तो क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड, जबकि अगर मैं हॉट की बात करूँगी तो ये क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होते हैं, इथेन डाइऑक्साइड, यानी अगर आपने इथाइन यूज़ किया है तो उसका बनेगा इथेन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी सेम वाला, इथेन वाला ही बनेगा। अब हमारे पास जो अल्काइन होते हैं ना, वो कुछ सब्सिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, सब्सिट्यूशन होता है एक मतलब किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद का एडिशन करवा देते हैं। अब वो कौन सा सब्सिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास इथाइन है, 2Na ऐड हुआ है, तो इसने क्या किया, सोडियम एसिटाइलाइड बनाया, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के एक हाइड्रोजन को ख़त्म करा, सब कुछ सेम है, सब कुछ का सेम है, सिर्फ इसने क्या किया, हाइड्रोजन को ख़त्म करके ठीक है, हमारे पास सब कुछ सेम है, हाइड्रोजन का है ना, तो हाइड्रोजन को हटा के इसने क्या किया, सोडियम का ऐड कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ख़त्म करके सोडियम ऐड कर लिया, तो ये क्या बनेगा, सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा, ठीक है। अब अगर सेम बात करें, दोबारा से Na ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोबारा हाइड्रोजन को ख़त्म करके क्या बनेगा, Na, तो ये क्या बना, डायसोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ सोडियम एसिटाइलाइड रिएक्ट विद द HCl इट फॉर्म इथाइन, अगर आपके पास देखें सोडियम एसिटाइलाइड है ना, ये क्या है, सोडियम डायसिटाइलाइड, दो सोडियम के ग्रुप है ना, तो ये क्या है, सोडियम डाई सोडियम एसिटाइलाइड, उसने किससे रिएक्ट करा, HCl से, तो ये क्या बनाएगा, इथाइन बनाएगा, ठीक है, NaCl बन जाएगा, ये जो क्लोरीन का पार्ट है ये दोनों Na को ले लेगा, ठीक है, दोनों Na को लेकर क्या बना देगा, NaCl बना देगा। अब पीछे क्या बच गया, ये दो हाइड्रोजन और ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कार्बन क्या कर लेंगे, इथाइन बना लेंगे, सही। अब सब्सिट्यूशन बाय हैवी मेटल, अब हमारे पास सब्सिट्यूट अगर कोई हैवी मेटल आ रहा है, फॉर एग्जांपल कुप्रस क्लोराइड आ रहा है या कोई और आ रहा है, अगर कुप्रस को देखते हैं तो ये क्या करेगा, सिर्फ कॉपर या हाइड्रोजन ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन करता है, कॉपर ख़त्म करेगा इसकी जगह, सॉरी हाइड्रोजन ख़त्म करेगा इसकी जगह क्या देंगे, कॉपर आ जाएंगे,
ठीक है। तो ये क्या बन गया, कॉपर एसिटाइलाइड। और कॉपर एसिटाइलाइड का कलर कौन सा होता है, रेड होता है, एग्जाम में आ सकता है, सही है। और कुप्रस क्लोराइड कैसे बनता है, कुप्रस क्लोराइड अल्काइन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कॉपर एसिटाइलाइड बनाता है, ठीक। और ये कॉपर एसिटाइलाइड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसी के सिल्वर एसिटाइलाइड किस कलर का होता है, वाइट सॉलिड होता है। अगर आप यहाँ देखते हैं सिल्वर का, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है प्लस AgNO3, तो इसके साथ क्या बनेगा, Ag रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इधर भी Ag आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लगेगा AgCl, ट्रिपल बॉन्ड तो खड़े रहेंगे ना, क्योंकि सब्सिट्यूट करें, सब्सिट्यूट का मतलब होता है सिर्फ एडिशन हो रही है, किसी भी चीज़ की एडिशन हो रही है। अब सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के प्रेजेंस में हो रहा है, सब कुछ अमोनिया के प्रेजेंस में हो रहा है। अब ये क्या बनाएगा, वाइट सॉलिड बना देगा। वाइट सॉलिड क्या होता है, पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ वाइट सॉलिड, तो इट इज़ अ सिल्वर एसिटाइलाइड, इज कॉल्ड एज वाइट सॉलिड, ठीक। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। केमोनोफोर का जो रिएक्शन था ना, वो अल्केन में नहीं होता, अगर आपने देखा हो तो कोई भी रिएक्शन उसने अल्केन से नहीं करा, जबकि अल्कीन में देखा था आपने किया था उसने, ठीक है। अल्काइन से भी देखा आपने उसने किया था, सेम एज ब्रोमीन वाटर जो होता है ना, वो हमारे पास अल्केन रिएक्शन नहीं देता, अल्कीन देता है और अल्काइन भी देता है, और ये सब्सिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता, ठीक है। अल्कीन सब्सिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता, जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं, अभी हमने जो सब्सिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं वो किसके थे, अल्काइन के थे। तो अल्काइन जो होता है ना, वो देता है, कौन से देता है, कॉपर के साथ देता है और Ag के साथ देता है। कॉपर के साथ क्या बनाता है, वो हमारे पास रेड सॉलिड बनाता है, जो भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ कौन सा, ये क्या बनाता है, हमारे पास वाइट सॉलिड बनाता है। अब वाइट सॉलिड होता क्या है हमारे पास, सॉरी वाइट सॉलिड क्या होता है, सिल्वर एसिटाइलाइड, ठीक है, ये पता होना चाहिए, एसिटाइलाइड होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पेपर में आते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो है ना वो आगे से पढ़ेंगे, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। मैं चैट ऑन कर रही हूँ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क फ्रीली। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क, अगर नहीं है तो मैं बंद करती हूँ क्लास, और आपको ये लेक्चर जो है ना वो मिल जाएगा। और एक और बात मुझे करनी थी कि मेरा जो है ना वो कुछ बच्चे मुझसे बैच सी के बारे में पूछ रहे थे, सो अबाउट द बैच सी, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द 15th of May, तो इसका जो मैसेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बैच सी जो है वो इंशाल्लाह हमारा 15th May से स्टार्ट होगा, और बैच सी जो है बेसिकली हमारा जो मेरा जो कोचिंग है ना उसका नाम BMED है, ठीक है। तो BMED का बैच सी जो है वो हमारे पास स्टार्ट होगा फ्रॉम 15th of May। बाकी मैं आपके साथ ये ग्रुप में शेयर कर दूँगी, हाँ ठीक है, मैं आपके साथ बैचेस जो मेरे पास है ना BMED के, उनके साथ मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क फ्रीली। और ये जो वीडियो है ये भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ताकि यू कैन गो एंड वॉच एनी टाइम। और बेटर ये है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, ताकि अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू माई नोट्स, ठीक है। ये जो मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, ये मुझे समझ आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू, ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरी वन, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।